नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं, सभी दल चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा इंदौर में आज चुनाव प्रचार के लिए पहुंची। इस दौरान कांग्रेस के एक नेता ने उनको गुलदस्ता भेंट किया, लेकिन उसमें फूल ही नहीं थे। ये देख कर प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी हंसी नहीं रोक सकी। चुनाव प्रचार की व्यस्तता के बीच ये हंसी भरा पल कैमरे में कैद हो गया। कांग्रेस नेता द्वारा प्रियंका के सम्मान में दिया फूलों वाला गुलदस्ता तब बिल्कुल खाली था, कागज के लिफाफे में कुछ भी नहीं था। ये देखकर प्रियंका अपनी हंसी नहीं रोक पाई। बता दें कि मध्य प्रदेश में मतदान होने जा रहे हैं। राज्य में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस कड़ी मेहनत कर रही है। पिछली बार कांग्रेस ने राज्य में सत्ता हासिल की थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद में उनको कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। अब एक बार फिर से खोई हुई सत्ता वापस पाने के लिए प्रियंका कड़ी मेहनत कर रही है। इंदौर में हुई रैली को कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर लाइव प्रसारित किया गया है, जिसमें कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को बिना फूलों का गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। ट्विटर पर लिंक शेयर करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा, इंदौर महारानी अहिल्याबाई होलकर की भूमि है, जो न्याय, सच्चाई और सुशासन के लिए जानी जाती हैं। यहां के लोग भ्रष्टाचार और कुशासन को खत्म करके उन मूल्यों को बहाल करेंगे। वहीं अहिल्याबाई होलकर 18वीं शताब्दी की एक मराठा रानी थी, जिन्होंने करीब 3 दशकों तक इंदौर पर शासन किया था।